हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रोमेंस इन द हाउस के एपिसोड 9 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड इस रात में मिराय को देखते हैं जो अपने घर से बाहर जा रही होती है। एओनिया परिसी यह कहती है कि तुम कहां पर जा रही हो। मिराय ने कह दिया था कि एक दोस्त की शादी है, मैं वहां पर जा रही हूं। बाद में मिराय घर से बाहर आती है और आगे पर टाइपिंग होता है जो इसकी वेट कर रहा होता है। बाद में दोनों डेट पर जाते हैं और इन कैमरे पर कई सीन को देखते हैं। ये साथ फोटोशॉप में भी आते हैं और अपनी फोटो लेते हैं। शाम को आदि मिराय घर पर आती है, लेकिन यहाँ पर यह देखती है कि मैं जो पासपोर्ट यहाँ पर लगा रही हूँ वह काम नहीं कर रहा है, क्या चेंज कर दिया गया है। बाद में उनके पास कॉल करती है और कहती है कि अब कहाँ पर है। एओन ने कह दिया था कि तुम यहाँ पर आ जाओ। मिराय बाद में उनके पास आती है। एओन अपनी बेटी से यह कहती है कि अब से तुम यहाँ पर आओगी। मिराय कहती है कि अभी कैसी बात कर रही है। एओन ने यहाँ पर यह कह दिया था कि मेरे लिए डिसीजन लेना बहुत ही मुश्किल था। अब तुम पूरी तरह से फ्री हो चुकी हो, तुम्हें अपनी लाइफ जीनी चाहिए, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी। बाद में एओन चली जाती है और यहाँ पर पास में अगर बैठ जाती है और रो रही होती है। तभी इसके पास मुजीन भी आता है और यहाँ पर कह रहा होता है कि तूने बहुत अच्छा काम किया है, तुम्हें मिराय की चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम्हें पता है कि वो कैसी है, बस स्मार्ट लड़की है और अपने आप इस चीज से उभर जाएगी। वो इन टाइपियों को देखते हैं जो अपने घर पर आता है और यहाँ पर इसका पिता होता है जो कि च्योल होता है। च्योल टाइपियों से ये कह रहा होता है कि मैं जल्दी रिटायर होने वाला हूँ और अब तुम्हें यहाँ पर काम करना होगा। एक पिता के रूप में मुझे तुम्हारी चिंता है और मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही काम कर सकता हूँ। पहले टाइपिंग मना कर देता है, लेकिन जब च्योल यहाँ पर यह कहता है कि तुम्हें 3 महीने तक वहाँ पर इंटर्न के रूप में काम करना होगा, अगर तुम्हें बाद में भी ऐसा लगता है कि यह काम मेरे लिए नहीं बना है तो तुम्हें काम छोड़ देना, टाइपिंग भी कहता है कि ठीक है। अगले जो मिराय को देखते हैं जो अपने घर पर होती है, इसके पास ही पहले एनजीएमसी करता है, साथ में जमीन भी करती है और पूछ रहे थे तुम कैसी हो और तुम्हारा नया घर कैसा है, हाउस वार्मिंग कब करने वाली हो, लेकिन मिराय कोई रिप्लाई नहीं करती। बाद में टाइपियों को इसके पास मैसेज आता है और कह रहा होता है कि यह तुम्हें अच्छी नींद आई। वो इन टाइपियों को देखते हैं जो अपनी जगह पर होता है और बाद में अपनी मिराय भी आती है। अब मिराय पर बोर्ड को तोड़ रही होती है और अपने गुस्से को बाहर निकालती है। बाद में दोनों बैठ गए थे, मिराय ने बता दिया था क्या हुआ है। टाइपियों बाद में कह रहा होता है कि तुम्हारे माने तुम्हारे अच्छे के लिए किया है, वैसे तुम क्या करने वाली हो, क्या तुम घर वापिस जाओगी, लेकिन यह कहती कि नहीं, मैं मेरी माँ को दिखा दूंगी कि मैं अपने दम पर अच्छा कर सकती हूँ। अगले इसमें एओन को देखते हैं जो अपने घर पर होती है और यहाँ पर मुजीन आता है जो इसके लिए खाना बनाता है। बाद में मेरे यहाँ पर खाना खाती है। एओन बाद में यह कहती है मैं कुछ भी नहीं करना चाहती। मुजीन बाद में नीचे लेट गया था और कह रहा होता है कि अगर तुम कुछ भी नहीं करना चाहती तो तुम्हें ऐसा करना चाहिए। बाद में यहाँ पर एओन भी ऐसा करती है और मुजीन से यह कहती है कि तुम क्या करना चाहते हो। मुजीन कह रहा होता है कि जो मैं पहले नहीं कर पाया अब मैं करने वाला हूँ, मैं पहले एक अच्छा पिता बनूंगा, मैं तुम्हें घुमाने के लिए बाहर ले जाना चाहता हूँ और यहाँ पर बर्तन भी धोना चाहता हूँ। अगले इसमें जंगे को देखते हैं जो कि तुनसिक से बात कर रहा होता है और यहाँ पर ये कहता है कि मुझे इनके पास वो पैसा कहाँ से आया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो फ्रॉड है। लेकिन तुनसिक कह रहा होता है कि तुम कैसे बकवास कर रहे हो, आगे से ऐसी बातें मत करना। अगले इसमें मकान मालिक की बेटी को देखते हैं और इसका नाम किमसम होता है। इसे भी दो आदमी यहाँ पर ये बता रहे थे कि तुम्हारे पिता ने इस चीज़ में इन्वेस्ट किया था और ऐसा करने के लिए लोगों ने कहा था। हालांकि उनका नाम तो ठीक से नहीं पता है, लेकिन यह उनकी कंपनी का पोस्टर है और उनके नाम कुछ ऐसे थे। बाद में किमसंग समझ जाती है कि मुजीन है। अगले इसमें जंगीन को देखते हैं साथ में जेगेल होता है। जंगीन अब जेगेल को देख लेती है, बाद में इसके पास आती है लेकिन नीचे गिर गई थी। जेगेल बाद में इसको उठाता है और कह रहा था कि मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था, मुझे तुम्हारे पैसे लुटाने थे। बाद में पैसे देता है। जंगीन भी से यह कहती चलो खाने के लिए चलते हैं, बाद में आ गए थे। जेगेल से कह रहा होता है कि तुम इतनी फ्रेंडली क्यों हो रही हो। जंगीन ने कह दिया था कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन जेगेल कहता है कि मेरे 2 बच्चे हैं। जंगीन कहती है कि तो क्या हुआ, हम दोनों की सिचुएशन सेम ही है। लेकिन जेगेल बाद में कोई बात नहीं करता, वो चला गया था। अगले इसमें मिराय को देखते हैं साथ में टाइपिंग होता है। दोनों यहाँ पर शॉपिंग कर रहे थे, बाद में घर पर आते हैं। टाइपिंग मिराय को स्लीपर दे रहा होता है। मिराय कहती है कि 2 क्यों है। टाइपिंग ने कह दिया था कि 1 तुम्हारी माँ के लिए है, उनसे फ्यूचर में मैं कभी न कभी मिलूंगा, तभी इनको दे दूंगा। मिराय भी कहती है ठीक है। अब मिराय यहाँ पर अपने घर पर आती है और अपने सामान को सेट करने वाली थी। पहले एक बॉक्स को उठाती है और यह पर देती है, लेकिन तभी हम यहाँ पर यह देखते हैं कि यहाँ पर पर्ची होती है जो नीचे गिर गई थी। हालांकि मिराय ने इसकी ध्यान नहीं दिया था। मिराय बाद में अपनी माँ को देखने के लिए आती है और यहाँ पर इसकी माँ होती भी है जो विला से बाहर आई हुई थी। बाद में इसके पास मुजीन भी आ गया था और ये अपने कुत्ते खिला रहे थे और 3 नैपकिन होते हैं। मिराय इनको देखकर बाद में जा रही थी, लेकिन मुजीन ने इसको नोटिस कर लिया था। मिराय भी रेस्टोरेंट में आ गई थी। मुजीन बाद में इसके पास आता है और यहाँ पर यह कह रहा होता है कि तुम तुम्हारी माँ की चिंता मत करो, अब वो फ्री रहना चाहती है और अभी रहना चाहती है, तुम्हारे जाने से परिवार नहीं टूटेगा, तुम अब भी इस फैमिली में हो। मिराय अपने पिता से पूछती है कि यह फिर से शादी करने वाले हैं। बाद में कुछ कहने वाला था लेकिन मिराय कहती रहने दो।
जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, बाद में चली गई थी। अखिलेश में टाइपिंग को देखते हैं जो कि बच्चों को छोड़ रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर एयन को देखता है। बाद में दोनों गाड़ी में जा रहे होते हैं। एयन भी मिराई की बात करने लगती है और यहाँ पर यह कहती है कि उसे परेशान मत करना। टाइपिंग कहता कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे हैप्पी रखूंगा, मैं आपको इस बात की चिंता नहीं होने दूंगा। अखिलेश में टाइपिंग मिराई के पास आता है, इसको देख रहा होता है और एकदम से गेम शुरू कर देता है, लेकिन मिराई यहाँ पर जीत जाती है। टाइपिंग बाद में कह रहा होता है कि कोई भी विश मांगो। मिराई कहती मांगने के लिए कुछ भी नहीं है। टाइपिंग बाद में कह रहा होता है कि बचपन में कुछ ऐसा हो जो तुम करना चाहती हो। मिराई बाद में स्केटिंग का नाम लेती है और अखिलेश में स्केटिंग कर रहे होते हैं और हैप्पी होते हैं। अखिलेश में रात को ये उनको देखते हैं जो अपने घर पर होती है और ये टीवी देख रही होती है। वही मिंजे को देखते ही सिमुजिन बात कर रहा होता है और ये कह रहा होता है कि तुम्हें स्कूल में जाना होगा, लेकिन मिंजे कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, स्कूल में टाइम की बर्बादी है, मुझे सिर्फ बिजनेस करना है। मुजिन कहता है कि ठीक है मैं समझता हूँ, लेकिन तुम इस बात का पता है कि इस घर के लोग बिजनेस नहीं कर सकते, तुम जानते हो मेरे साथ क्या हुआ था। लेकिन युनजी कह रहा होता है कि मुझे लगा कि आप मुझे सपोर्ट करोगे। युनजी अपने पिता से नाराज हो गया था, वो चला गया था। अगले इसमें किमसंग को देखते हैं जो विला के पास आ गई थी और विला को देखती है। अंदर से जंगमिंग आ रहा होता है और इसे पूछती है कि क्या मुझे यहीं पर रहता है। यह भी कह रहा होता है कि वो यहीं पर रहता है और यूनिट नंबर यह है। अगले इसमें मिराई को देखते हैं, साथ में टाइपिंग होता है। ये भी रेस्टोरेंट में आने वाले थे और बाहर वेट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी निकली यहाँ पर आ गए थे। टाइपिंग मिराई से दूर हो गया था, लेकिन ये टाइपिंग को देख लेते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम भी कंपनी सिक्योरिटी गार्ड काम करते हो। यह भी कहता है कि मैं ऐसा करता हूँ। ये भी इसको साथ मरने के लिए कह रहे होते हैं। अब सभीिंदर खाना खा रहे थे। डोंजिन भी टाइपिंग को देख रहा था और कह रहा होता है कि यह नौकरी तुम्हें सूट नहीं करती है, तुम्हें कोई और काम करना चाहिए। टाइपिंग ने कह दिया था कि मैं जल्दी नौकरी छोड़ने वाला हूँ और काम करने वाला हूँ। बाद में सब बाहर आ गए थे, लेकिन तभी यहाँ पर ये देखते हैं कि बाइक पर कोई होता है, साथ में महिला होती है। महिला बाद में हेलमेट को उतारती है और सभी यहाँ पर देख लेते हैं कि ये मिराई की माँ है। मिराई भी अपनी माँ को देखती है। मुजिन भी एन के साथ ही होता है और दोनों बहुत ही क्लोज होते हैं, लेकिन तभी एन ने अपनी इनको देख लेती है, साथ ही मिराई को देखती है। मुजिन भी अपनी इनको देख लेता है और फिर यहाँ पर दोनों ऐसा व्यू कर रहे थे मानो एक दूसरे को नहीं जानते हो। मुजिन बाद में चला गया था। एन भी पास में आ गई थी और नौकरी की तलाश कर रही होती है, लेकिन तभी पास में दो एम्प्लॉय होती है जो इसको देख लेती है और बाद में इसके पास आ गई थी और कहती है कि हमारे पास तुम्हारे लिए प्रपोजल है। जब तुम बाहर बाइक पर थी तो हमने तुमको देखा था और तुम बहुत ही सुंदर हो, हमें एक मॉडल की जरूरत है। लेकिन पहले एयन ने कह दिया था कि मुझे नहीं लगता है कि मैं मॉडलिंग का काम कर पाऊंगी, लेकिन ये भी इसको सोचने के लिए कहते हैं। अगले से मेन मार्ट में होती है, इसके पास मिराई भी आती है और इसके काम की जांच करती है, ठीक से करने के लिए कहती है। एयन भी से यह कहती है कि तुम टाइम पर खाना खा रही हो, क्या तुम दरवाजा लॉक कर रही हो। मिराई यह कहती है कि आपने मुझे घर से बाहर निकाला था, आप मेरी चिंता क्यों करोगी, बाद में इसलिए गई थी। आगे हम टाइपिंग को देखते हैं जो कि मिराई का वेट कर रहा होता है। अब दोनों पार्किंग में होते हैं। टाइपिंग मिराई से कह रहा होता है कि मैं काफी टाइम से तुम्हारा वेट कर रहा था और यह चीज बहुत ही मजेदार थी, लेकिन अभी खत्म हो गई है। मिराई यहाँ पर यह कहती है कि मैं कभी कभी मार्ट में जाती हूँ केवल तुम्हें देखने के लिए, वैसे कि हमें खाने के लिए चलना चाहिए। लेकिन जब टाइपिंग कहता कि आज मैं नहीं जा सकता, आज मैं दोस्तों के साथ खाना खाने वाला हूँ, लेकिन तुम्हारे घर पर तुम्हारे लिए गिफ्ट है। मिराई कहती है कि ठीक है और बाद में घर पर आती है और ये साइकिल होती है, साथ में पर्ची भी होती है जिस पर टाइपिंग ने लिखा हुआ था कि जब तुम्हें काम के लिए जाना हो तो तुम इस पर जा सकती हो। मिराई बाद में घर के अंदर आ जाती है और यहाँ पर यह देखती है कि यहाँ पर सारा सामान बिखरा हुआ है। बाद में घर की सफाई करती है और यहाँ पर बहुत ज्यादा काम होते हैं, इसको कपड़े भी धोने पड़ते हैं, साथ में फर्श साफ करना पड़ता है और ये बर्तन भी धो रही होती है, साथ में और काम भी होते हैं। मिराई अपने आप से कहती है कि मुझे पता चला कि घर के सारे काम मेरी माँ किया करती थी और हमको पता भी नहीं चलने दिया, अब मुझे इन काम की वैल्यू समझ में आ रही है। बाद में अपना काम करी होती है, लेकिन तभी अपनी पर्ची को देखती है, बाद में इसको उठाती है और यहाँ पर इन्होंने ये लिखा हुआ था कि तुम्हें हफ्ते में एक बार फर्श साफ करना है, वीकेंड में तुम कपड़ों को धो सकती हो, खाने को तुम्हें फ्रीजर में रखना है। ये सब बातें लेटर में लिखी हुई थी, साथ में आखिर में ये भी लिखा हुआ था कि मैं हमेशा तुम्हारी माँ रहूंगी और तुम मेरी बेटी हो, अगर तुम्हें कोई भी परेशानी होती हो तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मिराई बाद में रोने लगती है और यहाँ से चली जाती है। वही हम घर में एयन को देखते हैं, यह भी मिराई के रूम को देखती है जो भी खाली हो चुका था और यहाँ पर बैठकर रो रही थी। बाद में मिराई यहाँ पर आती है और अपनी माँ को देखती है। एयन भी इसको देखती है और यहाँ पर यह कहती है कि तुम्हें पासपोर्ट कैसे पता चला। मिराई ने कह दिया था कि आज वो दिन है जब मैं पूरी तरह से थक चुकी हूँ और मैं परेशान हूँ और मैं रोना चाहती हूँ। शाम को दोनों साथ में सोए हुए थे। मिराई भी अपनी माँ से यह कहती है कि मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे पहले ऐसा लग रहा था कि मैं इस घर को संभाल रही हूँ और मैं इस घर की हेड हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था, आप ही हम सबका ख्याल रख रही थी, मैं आपकी तरह वंडर वुमेन बनना चाहती थी। एयन कहती है कि यह तुम बन गई हो, लेकिन मिराई कहती है कि नहीं,
मैं भी इसके लिए ट्राई कर रही हूँ। मेरा यहाँ पर यासीन भी सोचती है कि जब मैं कंपनी में आ रही थी तो वहाँ पर एक लड़की थी जो कि मुझे बोल रही थी, और ये किमसिंग होती है। किमसिंग अपनी से यह कहती है कि यह तुम जिन की बेटी हो, यह भी अपना मरती है। मेरा ये कहती है तुम कौन हो। किमसिंग ने कह दिया था कि मैं तुम्हारे पिता को जानती हूँ, और वो उस पिता की बेटी को देखना चाहती थी कि कैसी दिखती है, जिसके पिता ने मुझे रुलाया है। मेरा ये पूछ रही होती है कि आपके कहने का क्या मतलब है। किमसिंग कहती तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। बाद में किमसिंग चली जाती है। मेरा भी मुझे के पास कॉल करना चाहती है, लेकिन अपने आप से कहती है कि शायद यह कोई पागल होगी। अगले दिन रात को मुजिन को देखते हैं, यह भी जेगियोल से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि शायद किमसिंग सब कुछ जानती है, अब मैं क्या करूं। जेगियोल कहता है कि मुझे नहीं पता है, यह तुम्हारा मैटर है। अगले दिन मीराय को देखते हैं जो कंपनी में आती है, और यह चोल भी आ गया था और सभी खड़े हो गए थे। तभी हम यहाँ पर यह देखते हैं कि चोल के साथ यहाँ पर ताइपियोंग भी होता है, और अब चोल सभी को बता रहा होता है कि यह मेरा बेटा है और अब से इंटर्न के रूप में यहाँ पर काम करेगा, और इसकी मेंटर मीराय होने वाली है। बाद में एपिसोड खत्म हो गया था। सो गाइस, अब हम मिलेंगे एपिसोड 10 में जो कि कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।